जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा, नमस्कार। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं समीना। सदाबहार अभिनेता, कुशल निर्माता निर्देशक देवानंद अब हमारे बीच नहीं रहे। देव साहब न सिर्फ अभिनेता और निर्देशक थे बल्कि उनका एक युग था, उनके नाम से फिल्में चलती थीं। देव साहब का अपना एक खास अंदाज था और उनके जाने से बॉलीवुड के साथ साथ देश को भी कभी ना पूरा होने वाला नुकसान हुआ है। इसी पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देव साहब के निधन की खबर जैसे ही आई, बॉलीवुड समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। 88 साल के देव साहब का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो लंदन में इलाज कराने गए थे, आखिरी वक्त में उनके पुत्र सुनील उनके साथ थे। सदाबहार अंदाज, बहुमुखी अदाकार, यादगार शख्सियत। बेहतरीन निर्माता और हिंदी फिल्मों का रोमांटिक और जिंदा दिल अभिनेता और महान कलाकार, भारतीय सिनेमा के सदाबहार अभिनेता देवानंद का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 88 वर्ष के थे, लेकिन जिंदगी जीने का अंदाज और सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी और जिन्होंने रूमानी अदाकारी को एक नया रंग रूप दिया, उनकी अदाकारी नौजवानों के जज्बात की तर्जमानी थी। बस अब आता ही होगा। हाँ, क्या खौफनाक शेर है, बाप रे बाप, इतना बड़ा सर, ये कल्ला, ये बड़े बड़े नाखून। देवानंद ने 1946 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और फिल्म थी हम एक हैं। इसके बाद उन्हें कई फिल्में मिली और जिद्दी के आने तक वो एक बड़े अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। देवानंद का जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले में 26 सितंबर 1923 को हुआ और बचपन से ही उनका झुकाव अभिनय की तरफ रहा। अंग्रेजी में स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की और इस कॉलेज ने फिल्म और साहित्य जगत को बलराज साहनी, चेतन आनंद, बी आर चोपड़ा, खुशवंत सिंह जैसी शख्सियतें दी। देवानंद को अपनी पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिली, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। और इसके बाद वो अपने भाई चेतन आनंद के पास मुंबई आ गए और फिर नाट्य संघ इप्टा से जुड़े और यहीं से शुरू हुआ अभिनय की दुनिया में उनका सफर। नवकेतन बैनर के तले अफसर फिल्म का निर्माण उन्होंने किया और इसके बाद उनकी एक से बढ़कर एक फिल्में हिंदी सिनेमा को मिली और यहीं से उनकी सुरैया के साथ जोड़ी हिट रही और फिल्मी दुनिया को मिली उसकी यादगार और रोमांटिक जोड़ी। इसी फिल्म में गाने की शूटिंग के दौरान देवानंद और सुरैया की नाव पानी में पलट गई, जिसमें उन्होंने सुरैया को डूबने से बचाया। अपनी नजर का जादू क्या पूछते हो हमसे, देखो जो मुस्कुरा के हो जाए आग पानी। लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई जवानी, लाई खुशी की दुनिया।
आओ तुम लोग भी आओ, सब खाओ खाना अच्छा है, लंगर खोल दिए, चलो चलो देख क्या हो खाना खाओ। खाना खाने के बाद सबको खाना खिलाओ, खाओ। ये पैसे कौन देगा? खाना खिलाने के बाद आओ आ जाओ। देवानंद और कल्पना कार्तिक की 1955 में यादगार फिल्म रही हाउस नंबर 44, जिस फिल्म ने उस जमाने में काफी धूम मचाई। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। हाँ अजीजा, अपने बाबूजी से कहो किराए की फिक्र न करें, कल ही बैंक से रुपया भुना कर अदा कर दिया जाएगा। अरे अजीजा कहाँ चली, बैठो ना जल्दी, क्या है। 1957 में आई फिल्म पेंगेस्ट में अभिनेता के तौर पर उन्हें नए अंदाज में लोगों ने देखा और इस फिल्म के गीत आज भी एक खूबसूरत याद बनकर हम सब की ज़बान पर है। देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। आज सुबह डेक्कन टाइम्स के ऑफिस में आप आए थे ना? जी आप ही थे ना? माफ कीजिए, मैं आने से पहले आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। मुझे नहीं मालूम था आप हमारे गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। आपका गेस्ट हाउस? जी हाँ, आप ही इस गेस्ट हाउस के मालिक हैं, लेकिन चलाती चची है। बीवी जी, इनका नाम करण है, करण बंबई से आए हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं। आप भी जर्नलिस्ट हैं? जी। फिर आपने सुबह बताया क्यों नहीं? 1958 में उनकी फिल्म आई काला पानी, मधुबाला के साथ उनकी ये फिल्म यादगार रही। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, अच्छा जी मैं हारी चलो जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। थे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो और छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूँगा, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, अच्छा जी मैं हारी चलूँगा, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे ओ, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे ओ, कुतुब मीनार में फिल्माया गया तेरे घर के सामने वाला गीत आज भी आप सबको याद होगा। फूल तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है, आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है, दिल तुम्हें को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे ओ, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। कैसी हैं आप कल्पना जी? आप कैसे हैं? गाड़ी सही सलामत घर पहुंच गई थी कि नहीं? मुझे नहीं मालूम था कि आप एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। जी हाँ, अच्छी खासी मुलाकात है हमारी। खूब, अगर ये बात थी कल्पना तो तुमने पहले क्यों नहीं मिलवाया हमें देव जी से? 1965 में तीन देवियां फिल्म, जिसमें नंदा, कल्पना, सिमी ग्रेवाल, इन तीनों अभिनेत्रियों के साथ देव साहब ने काम किया और इसमें हमें देखने को मिले देव साहब की अदाकारी के जौहर। ऐसे तो ना देखूं खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। हीरा ने ये नहीं बताया था कि इतना हसीन काम हो गई। काम की बात करो और चलते बनो। और ये भी नहीं बताया था कि जितनी प्यारी सूरत होगी उतनी मीठी जुबान है। और जो बताया था अब वो भी बोल दीजिए। तशरीफ रखो। तशरीफ थकने गई हो तो खड़े खड़े बोल दीजिए। तो फिर लाइए। क्या? नकद 5,000 रुपया रखा है। संदेशा दीजिए और उठा लीजिए। पहले उठा लूं, बाद में संदेशा दूंगा, चलेगा? इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की। अपनी अदाकारी और अपने जुदा अंदाज की वजह से वो हर दिल पर छा गए। सबका कहना है 1,000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। जाल फैलाया जा रहा है मुझ पर। कैसा जाल फैलाया? जान से बात कीजिए, बर्दाश्त की भी हद होती है। हाथों के जोर से अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि मैं नहीं कोई और हूँ तो ये मत भूलिए कि मेरे पास भी दो हाथ हैं। उनकी अभिनीत यादगार फिल्में पेइंग गेस्ट, ज्वेल थीफ, CID, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, हरे रामा हरे कृष्णा, देस परदेस का नाम आज भी लोगों की जबान पर है। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता, हो हो हो। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
फरीदा रहमान के साथ उनकी फिल्म गाइड, जो भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नामांकित भी हुई, आज भी एक यादगार फिल्म है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम। देव साहब हमेशा से नए टैलेंट को खोज लाने में कामयाब रहे, फिर वो जीनत अमान हो, टीना मुनीम हो, जिन्होंने आगे चलकर फिल्मी दुनिया में एक से बढ़कर एक फिल्में की। गोली चलाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं, मगर पहल आपकी तरफ से हुई, इल्जाम मुझ पे मत लगाइएगा, दुनिया जानती है मुझे आपसे कोई लगाव नहीं। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे देव साहब की कुछ और यादों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देव साहब पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बॉलीवुड में कितने ही अभिनेता आए, दिलीप कुमार से राजेश खन्ना तक सबका एक दौर रहा, लेकिन एक अभिनेता जो सदाबहार रहे वो थे देवानंद साहब, जिनका जलवा हमेशा बरकरार रहा। और जो बताया था अब वो भी बोल दीजिए। तशरीफ थकने गई हो तो खड़े खड़े बोल दीजिए। तो फिर लाइए। क्या? नकद 5,000 रुपया रखा है, संदेशा दीजिए और उठा लीजिए। पहले उठा लूं, बाद में संदेशा दूं चलेगा। ये मत सोचिए कि मुझे आपका भरोसा नहीं, और ये भी मत सोचिए कि मुझे पैसे का लालच है। हाँ, अगर आप बदसूरत होती तो शायद आप पे भरोसा ना होता, और अगर पैसा सामने ना होता तो शायद लालच भी होता, लेकिन आपकी खूबसूरती देखकर जी चाहता है कि पैसा लिए बगैर ही संदेशा दे डालूं। जी को जरा संभालिए और पैसे को भी, और मेहरबानी करके जल्दी बकिए कि हीरा ने क्या कहा था। हीरा? कैसा हीरा? आओ हीरा मेरा दोस्त, मैंने सोचा आप किसी कीमती हीरे की बात कर रही हैं। हाँ तो हीरा ने कहा था, हीरा ने कहा था कि हीरा फंस गया है मगर काम हो गया। शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। मगर आपने उसे देखा कि नहीं? क्या? कि वाकई में काम हो गया है कि नहीं। कौन सा काम? हीरे का। हीरे का कौन सा काम? हीरे का, हीरो का काम। हीरो की क्या बात है? बड़ा अफसोस है कि हमने आपको इतना समझदार समझा और आपने हमें इतना बेवकूफ। हीरा फंस गया है मगर काम हो गया है। अगर ये संदेशा 5,000 का है तो एक 10,000 का हमारा संदेशा हीरा तक पहुंचा दीजिएगा। कहिएगा कि काम हो गया है मगर जॉनी फंस गया है, और अगर गिनती में 2-4 हीरे कम निकले तो बेकार में मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, इसलिए कि जॉनी यहाँ से निकलेगा और फौरन हवा हो जाएगा। देवानंद की फिल्मों का हमेशा से ही सिने प्रेमियों को इंतजार रहा, और उनकी फिल्म गैम्बलर में उनके किरदार को भुला पाना क्या मुमकिन है? दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, सब ये गजल है सनम, गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। दिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया
से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। देवानंद की जोड़ी वैजयंती माला के साथ दिखी फिल्म ज्वेल थीफ में, जो अपने आप में एक बेहद यादगार फिल्म रही। मसलन ऐसी आंखें थी उसकी भी, लेकिन जब वो देखता था दिल में कुछ हो जाता था। तुम्हारी जैसी आवाज थी, लेकिन जब वो बोलता था तो दिल में कुछ हो जाता था। तुम्हारी जैसी चाल थी, लेकिन जब वो चलता था तो दिल में कुछ हो जाता था। तुम्हारी जैसे होंठ थे, लेकिन जब वो उन्हें इस्तेमाल करता था। जब वो इस्तेमाल, क्या मतलब? और जब वो शायरी करता था। शायरी भी करता था। और जब तरन्नम में वो गाता था। गाता भी था। जैसे प्यार का जहां बसा देता था। जरा उसका कोई शेर तो सुने, पता चले कैसा जहां बसा देता था। मसलन उसी ने कहा था, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। ये तो खासा घटिया शेर लगता है। What do you mean घटिया? आपको शायरी की क्या समझ? इसमें नाराज होने की क्या बात है? हो सकता है तरन्नुम में अच्छा लगता हो। अच्छा, बहुत अच्छा। हम क्या जाने, सुनते तो राय देते। आपकी राय नहीं चाहिए किसी को, आपकी मर्जी। शोला भड़केगा दिल। जॉनी मेरा नाम विजय आनंद के निर्देशन में बनी एक और यादगार फिल्म रही, जिसमें देव साहब का एक अलग ही किरदार देखने को मिला। किस काम का ये दिल धड़के, तो दिल है बस नाम का। तो शोला भड़केगा दिल धड़केगा, कोई आदत खराब डाल दे फिर देख तमाशा। देवानंद की फिल्में और उनके गीत संगीत और उनका अभिनय, या यूं कहें कि उनकी फिल्मों की कहानी, हर लिहाज से एक अलग ट्रीटमेंट लिए होती थी। लेके तुम बम्बई आई, जो तुम पहले भूल चुके थे। ये शिकायत मेरी है तुमसे, वरना क्यों खतों का जवाब नहीं दिया? मैंने खत लिखे थे, जवाब तुमने नहीं दिया। खत मैंने रोज लिखे थे, जवाब तुमने नहीं दिया। जवाब मैंने नहीं दिया? नहीं। प्यार के बाद मैंने नहीं, नहीं। इंतजार मैंने नहीं किया? नहीं नहीं नहीं। मैं अनजाना किस लिए किया था, इसलिए कि अपनी बर्बादी का नजारा देखूं। अगर तुम्हें मुझ पे और मेरे प्यार पे यकीन होता तो मेरी शादी रोक सकते थे। अगर तुम्हें मुझ पे और मेरे प्यार पे यकीन होता तो तुम शादी करती ही नहीं। मजबूर थी, क्योंकि तुम पहले शादी कर चुके थे। मैं या तुम? तुम। तो धोखा मैंने दिया। झूठ मैं बोली? प्यार के एतबार मैंने नहीं किया। कसमें मैंने तोड़ी। इंतजार मैंने नहीं किया। वादे मैंने नहीं निभाए। अगर निभाए हैं तो बताओ कहाँ है वो सुख चैन, वो राहत, वो जिंदगी का सुकून कहाँ है? मैं तो मंजिल पर पहुँच के भी मंजिल से बहुत दूर हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। देवानंद की फिल्मों में नगमों की सौगात एक दिलकश अंदाज लिए होती थी, और धुन ऐसी कि हर खास से आम आदमी उसे गुनगुना उठता। चला के हाँ जरा झुक जाना, रिम झिम के तराने लेके आई बरसात। याद आए किससे वो पहले मुलाकात, रिम झिम के तराने लेके आई बरसात। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। ये दिल न होता बेचारा कदम, न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। देवानंद साहब को कई फिल्म फेयर पुरस्कारों और कई बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2002 में हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका जाना एक युग के अंत जैसा है, जो कहीं ना कहीं ये एहसास दिला जाता है कि वो लोग तुमने एक ही शोखी में खो दिए, पैदा किया था फलक ने जिन्हें बड़े ही जतन से। देव साहब की पहचान
उनका खास अंदाज जो न सिर्फ अदाकारी में नजर आता था बल्कि हिदायतकार और फिल्म साज की हैसियत से भी उनकी फिल्में हर एक फिल्म से जुदा होती थी। ए चश्मे तमाशा झूम जरा, ए चश्मे तमाशा झूम जरा, वक्त नजारा पहुंचा, कश्मीर में दो दिन जीने को कश्मीर का मारा पहुंचा। उनकी फिल्मी मौसिकी में तवानाई थी, ऊर्जा थी, जोश था, जिसकी वजह से वो हमेशा याद रहेंगे। पूरब हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए, जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। देव साहब उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी जोशो खरोश से भरपूर थे। आज उनके जाने से पूरा देश गमगीन है। हम सब के लिए एक जज्बाती धक्का है और बहुत बड़ा लॉस है। माय कंडोलेंसेस टू हिज एंटायर फैमिली एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। देव साहब का इस तरह ने को छोड़कर चले जाना हम बहुत दुख की बात है। एक अंदाज टाइम हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक्टिंग दिया, फिल्म मेकिंग में दिया और मॉडर्न फिल्म बनाते हुए उन्होंने अपनी पिक्चर में वेस्टर्नाइज फिल्में बनाते हुए उनका बहुत क्रेडिट है कि उन्होंने कभी गंदा गाना नहीं दिया, नंगा गाना नहीं दिया, साफ सुथरी पिक्चर बनाई। देव साहब के जाने से फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी क्षति हुई है। ऐसे लोग बहुत कम है जो नए लोगों को परिचय दें, नए लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत कम लोग फिल्म इंडस्ट्री में, देव साहब एक ऐसे आदमी थे हमेशा नए लोगों को परिचय देते थे, नए लोगों को आगे बढ़ाने प्रयत्न करते थे, कोशिश करते थे, बड़े प्यार से सम्मान से रखते थे। इमेजिन हिज कैरियर फॉर 65 ईयर्स लिविंग विद द ग्लोरी ऑन द स्क्रीन वर्किंग टिल हिज लास्ट ब्रेथ, ए ग्रेट लीजेंड विद पैशन, विद सेम पैशन एंड लिविंग 88 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ विद लव, अफेक्शन, एनर्जी, पैशन, पॉजिटिविटी। मैं समझता हूँ कि एक अजीम शख्सियत का जाना है और इससे एक बहुत बड़ा नुकसान बॉलीवुड को हुआ है। उनको मेरी खराज अकीदत और श्रद्धांजलि है। देवानंद साहब ने जहाँ फिल्म में एक नई पहचान अपनी कायम की और नई पहचान स्थापित की लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में, वहीं पर एक अच्छे इंसान भी। देवानंद जैसे स्टार कभी कभी पैदा होते, वो बहुत नेक दिल इंसान थे और उनकी कमी हरदम खलेगी। तो ये थी देव साहब पर हमारी खास पेशकश, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ा।